सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाला आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है व्हाई वी कांट मेंटेन वेरी लो वैक्यूम इन स्टीम टर्बाइन कंडेंसर। यानी कि जो हमारा स्टीम टर्बाइन कंडेंसर होता है उसमें जो हम वैक्यूम मेंटेन करते हैं एक सर्टेन लेवल पे, तो उसमें हम लोग बहुत लो लेवल पे क्यों नहीं रख सकते। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसको हम लोग वेरी हाई वाला किए थे कि हाई में क्यों नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लो वाला देखेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय का वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो देखिए कुछ डीसीएस वाला अगर आप पेज देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको डायग्राम दिखेगा, जहाँ पर ये टर्बाइन होता है और टर्बाइन में जो स्टीम वर्क करता है, उसके बाद ये वर्क होने के बाद यहाँ पर आपका इस तरह से यहाँ पर आता है, ठीक है। ये जो रेड कलर का आपको लाइन दिख रहा है, और ये कंडेंसर में आकर यहाँ पर कंडेंस होता है, और फिर कंडेंस होने के बाद इसको फिर से रीयूज कर लिया जाता है। ओके, अब देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग जो रैंकाइन साइकिल है और जो उसका टीएस डायग्राम है उसको हम लोग समझेंगे। ओके, तभी हमारा जो ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बाकी इंटरव्यू के हिसाब से आपको क्या क्या पॉइंट कहना है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप आसानी से कह पाए, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए ये डायग्राम को हम लोग को समझना होगा। ओके, तो देखिए कई सारे फ्रेंड कह रहे थे कि सर जो अभी जैसे आप व्हाइट बोर्ड में बताते थे, तो व्हाइट बोर्ड में सभी जो पॉइंट थे, जैसे ये पॉइंट जो वगैरह होता है ना, कहीं पर कुछ लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्लियर हो जाता था। लेकिन अभी जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है इस स्क्रीन के माध्यम से। तो देखिए एक चीज देखिएगा, जब मैं कभी बोलूंगा ना कि अगर मान लीजिए मैं सरफेस कंडेंसर पढ़ रहा हूं, तो सरफेस कंडेंसर यहां पे पढ़ रहा हूं, तो यहां पर एक पॉइंटर आ रहा है, ठीक है। जब ये पेन जो है मैं किस कहीं पर भी रखूंगा, जैसे यहां पे थ्री लिखा है, थ्री के पास रखा हूं तो एक पॉइंटर आ रहा है, और जैसे टर्बाइन लिखा हूं तो टर्बाइन के सामने यहां पर एक पॉइंटर आ रहा है। तो इस पॉइंटर को आप ध्यान दीजिएगा, साथ में कहीं इंपॉर्टेंट अगर कहीं पर कुछ लिखा होगा तो मैं इस तरह से मार्क भी कर देता हूं, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में हर एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि अब मान लीजिए ये डायग्राम ही है, तो इसको मैं अब बनाने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या मान लीजिए कंडेंसर का अब पिक्चर बनाने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो वीडियो 2-3 दिन में एक आपको मिलने वाला होगा, वो आपको इस माध्यम से आपको एक दिन में ही एक मिल जाएगा। तो व्हाइट बोर्ड में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हर चीज़ खुद से बनाना होता है, ठीक है, चाहे वो डायग्राम हो। और जो 3D डायग्राम होता है उसको तो वहाँ पर दिखाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो स्क्रीन के माध्यम से हर एक चीज़ों को डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो जस्ट पॉइंटर को आप ध्यान दीजिएगा, जो ये पॉइंटर आप दिख रहा है, ठीक है, और जब भी कभी इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसको मार्क कर दूंगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए जैसा कि हमारा टॉपिक था कि हम लोग क्यों लोअर साइड नहीं रखते हैं ओके वैक्यूम। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो वैक्यूम है इस कंडेंसर में, ओके, इस कंडेंसर में मान लीजिए हम -0.87 मेंटेन किए हैं, तो कहने का मतलब है कि हम अगर -0.77 रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, लोअर साइड में रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। ओके, तो देखिए ये इस रैंकाइन साइकिल को देखिए, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइन होता है, जो हमारा टर्बाइन में जो ये वाला लाइन जो है वो एक्सपेंशन होता है, जो 4 पॉइंट से 3 से लेकर 4 तक, तो ये टर्बाइन में एक्सपेंशन होता है। यहाँ पर एक निश्चित वैक्यूम जो है वो मेंटेन है। ओके, अब कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर हम यहाँ पे मान लीजिए हमने वैक्यूम जो कंसीडर किया था पहले वो 0.87 किए थे, ठीक है, -0.87। अब हम लोअर साइड रखना चाहते हैं, मान लीजिए -0.77 रखना चाहते हैं, तो ये वैक्यूम कुछ इस पॉइंट यानी कि 4 वाले पॉइंट से कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा यानी कि जो स्टीम है वो टर्बाइन में यहीं तक वर्क करेगा, और यहाँ पर इसके बाद ये कंडेंसर में एक्सपेंशन हो जाएगा, और फाइनली हमको यहाँ पर वाटर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम वैक्यूम घटा रहे हैं तो ये हमारा जो वर्क डन वाला जो पार्ट है वो कम हो जा रहा है, यानी पहले वर्क जो हमको इतना मिल रहा था, ठीक है, 1, 2, 3, 4 मिल रहा था, अब देखिए ये 4 के ऊपर वाला जो मैंने रेड कलर का लाइन बनाया है, ये जस्ट उसके ऊपर तक ही आपको वर्क मिलेगा, यानी ये वाला जो पार्ट जो है ना ये माइनस हो जाएगा, तो इतना वर्क डन जो है वो घट जाएगा। साथ में आप देखेंगे अगर हम ये जो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रेशर आपका जो वैक्यूम को हम अगर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, 0.77 कर रहे हैं, तो एक चीज़ और होगा कि आपका जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे अगर माइनस करके एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे, तो उस एब्सोल्यूट प्रेशर पे जो इसका सेचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मान लीजिए इस प्रेशर पे अगर पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा था तो इस पे 60 डिग्री मिलेगा। ओके, जस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल है कि अगर हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहले टर्बाइन के एग्जॉस्ट में टेम्परेचर मिल रहा था तो अब 60 डिग्री मिलेगा। तो अब यदि अगर 60 डिग्री मिलेगा
तो क्या प्रॉब्लम आएगा? तो 60 डिग्री मिलने से एक तो आपका कंडेंसर में लोड बढ़ेगा, ठीक है। कंडेंसर में लोड अगर बढ़ेगा तो हमें वैक्यूम जो होगा वो ज़्यादा मेंटेन करने के लिए हमको वैक्यूम पंप में लोड बढ़ाना होगा या इजेक्टर में बढ़ाना। साथ में आपका जो CW पंप होते हैं यानी कूलिंग वाटर जो पंप होता है उसमें भी आपको वाटर को ज़्यादा सर्कुलेट करवाने के लिए आपको ज़्यादा उसमें लोड बढ़ाना होगा। तो एट द लास्ट आपका ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा अगर हम लोअर साइड जो है वो वैक्यूम अगर मेंटेन करते हैं तो। ओके, साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि ये हम अगर वैक्यूम यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये टर्बाइन में जो भी स्टीम जो है वो यहाँ पर आसानी से कंडेंसर में आ पाए अगर हम एक निश्चित वैल्यू में अगर वैक्यूम को मेंटेन करते हैं तो। ओके, तो अगर मान लीजिए हम लोअर साइड रखेंगे, वैक्यूम को कम रखेंगे, तो क्या होगा, स्टीम जो होगा वो आसानी से नहीं आ पाएगा यहाँ पे। तो एक तरह से यहाँ पर टर्बाइन के लास्ट स्टेज में क्या होगा, पूरे टर्बाइन में, ओके, आपका टर्बाइन में एक बैक प्रेशर क्रिएट होगा। अब उस बैक प्रेशर से टर्बाइन ब्लेड पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, तो टर्बाइन ब्लेड में स्ट्रेस जो होगा वो उत्पन्न होगा। अब उस स्ट्रेस से आपका टर्बाइन ब्लेड में भी प्रॉब्लम आ सकता है, टर्बाइन फेलियर भी हो सकता है, ओके। तो ये कई सारे प्रॉब्लम आएंगे। अब इस बैक प्रेशर से आपका जो व्हील चेंबर प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से आपका जो स्टीम का रिक्वायरमेंट है, जो हमको एक निश्चित वर्क डन करना है अपने टर्बाइन में, उस वर्क डन को करवाने के लिए हमको जो स्टीम चाहिए उसका रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, ओके। यानी कि कहने का मतलब है SSC यानी कि स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन जो होगा वो हमारा एक रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से टर्बाइन की एफिशिएंसी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है वो आपका वैक्यूम को डिक्रीज करने से आता है, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हमने एक एक करके यहाँ पर जो है वो लिख दिया, जैसे रिड्यूस इफिशियंसी कैसे रिड्यूस हो रहा वो आपको क्लियर हो गया कि लोअर वैक्यूम रिड्यूस टर्बाइन इफिशियंसी इंक्रीजिंग हीट रेट, जो कि हीट रेट को बढ़ा देगा जिससे टर्बाइन की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, ओके। डिक्रीज पावर आउटपुट, अब पावर आउटपुट जैसे आपको बताया था यहाँ पे जैसे एरिया जो है वो कम हो जा रहा, हम लो वैक्यूम करने हमें इतना ही सिर्फ वर्क डन जो है वो मिल रहा, ओके, तो वो एक हो गया, ओके, तो हमारा वर्क आउटपुट जो है वो घट गया, पावर आउटपुट। नेक्स्ट है 3 नंबर, इंक्रीज स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, कैसे इंक्रीज हुआ वो हमें समझ में आ गया कि अगर जो बैक प्रेशर जो वो क्रिएट कर रहा है लो वैक्यूम की वजह से, जिसकी वजह से व्हील चेंबर बढ़ जा रहा, ठीक है, और जितना हमें ये स्टीम से वर्क लेना चाहिए था हम लोग उतना नहीं ले पाए, 10 डिग्री तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा स्टीम को एग्जॉस्ट करा दे रहे, तो उतना स्टीम हमें जितना यूज करना चाहिए था उसकी हीट एनर्जी को वो कर नहीं पा रहे, तो अब उस निश्चित पावर आउटपुट निकालने के लिए हमको ज़्यादा स्टीम कंजप्शन कराना होगा, तो हमारा फाइनली जो है होगा वो SSC भी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर भी आपका जो है वो इंक्रीज कर जाएगा लो वैक्यूम की वजह से, ओवरलोडिंग होगा कंडेंसर पे। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन, जैसा कि मैंने बताया कैसे होगा, ओके, ऑक्सिलरी इंक्रीज स्ट्रेस ऑन टर्बाइन ब्लेड, टर्बाइन ब्लेड में स्ट्रेस उत्पन्न होगा, रिड्यूस्ड टर्बाइन लाइफ, अब इन सब अब ये इतना सारी चीज़ें होगी डेट मीन्स क्या होगा, टर्बाइन का लाइफ जो होगा वो रिड्यूस होगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेस वाइब्रेशन एंड फैटिक, ओके। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ टर्बाइन फेलियर, और इतना सब होने के बाद एट द लास्ट आपका टर्बाइन फेलियर होने का भी चांसेस रहता है, ठीक है। इसलिए लोअर साइड जो होता है वो वैक्यूम मेंटेन नहीं किया जाता, उसको एक निश्चित डिजायर्ड लिमिट तक ही मेंटेन किया जाता, ओके। तो यही हो गया आज के वीडियो में, आई होप कि ये टॉपिक जो था वो आप सभी का क्लियर हुआ होगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपके कमेंट से ये क्लियर हो पाए कि जो ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है या नहीं रहता, ओके। आई होप कि आप इसे समझेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।